मैं अब वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहा है, वीडियो पे वीडियो डालने के बाद व्यूज़ नहीं आ रहा है, क्वालिटी बढ़ा लिया, सेटअप बढ़िया अच्छा कर लिया, सब कुछ कर लिया, बढ़िया स्मार्टफोन भी ले लिया, उसके बाद इतनी मेहनत कर ली, रात रात भर जग के वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम साहू और आज की एक नई वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो नहीं है, आज का वीडियो है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। वो दोस्तों कहते हैं ना, मुश्किलों में फंस करके हार मान लेने वालों की नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ अपने YouTube जर्नी के बारे में, जिससे दोस्तों आप लोगों को भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। साथ साथ दोस्तों आप लोग जो नए क्रिएटर्स आए हो या कुछ पुराने क्रिएटर्स भी हो जिनको भी सक्सेस YouTube पे नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को भी काफी कुछ मोटिवेशनल मिलेगा और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों बात करें मेरे YouTube पे आने की, तो मैं YouTube पे आया था 2019 में, ठीक है। और आप लोग जो कहते हो ना कि हमारे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जब मैं YouTube पे आया था तब मेरे पास कोई भी स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है। बड़े जुगाड़ से किसी का मेरे को स्मार्टफोन मिला था। अब उस स्मार्टफोन में मेरे को रिचार्ज करवाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। जिस टाइम पे मैंने YouTube स्टार्ट किया था ना दोस्तों, पता है किस तरीके से स्टार्ट किया था? शुरू में हमारे यहाँ पे ना अमित बढ़ाने की वीडियोस बहुत ज़्यादा चली करती थी, लोग अमित बढ़ाने की वीडियो बहुत ज़्यादा देखा करते थे। मतलब लोग जिसके भी मुँह से सुनो अमित बढ़ाना, मैंने कहा अमित बढ़ाना क्या चीज़ है? तो मेरे एक दोस्त ने उसकी एक वीडियो दिखाई जिसमें वो कॉमेडी करते थे, मैंने कहा ये तो बहुत सही चीज़ है यार। और मेरा भी YouTube पहले लगता था कि YouTube से पैसे मिलते, लेकिन पता ही नहीं लग पा रहा था सही से। लेकिन ये अमित बढ़ाने वाला जो केस आया, इससे मेरे को और YouTube के बारे में और ज़्यादा जिज्ञासा जाने कि मैं भी वीडियो बनाऊंगा उसी के तरीके से। तो एक दो वीडियो देखी तो उसी का कॉपी करने की कोशिश की। मतलब मेरे एक दोस्त का फोन था, मैं उससे रिकॉर्ड करके सोचता था उसी से डालूंगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना, अगर आपका अपना फोन ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही करते करते दोस्तों एक टाइम आया जिस टाइम पे मैंने क्या किया, पैसे जोड़ जोड़ करके एक सेकंड हैंड फोन लिया, ठीक है। जो फोन जो दोस्तों था उसमें सिर्फ 2GB रैम था और उस फोन से ना मैंने एक वीडियो डाला था, वो दोस्तों लगभग 50-60 सेकंड का वीडियो था। उसमें मैंने ना उस टाइम पे मैं अपनी मैथ का एक वो बना रहा था, मैथ का होमवर्क कर रहा था, तो उसमें ना मैंने मतलब जमा का एक सवाल है उसको सॉल्व करके उसी को डाला था। वो मेरा यूट्यूब का, अपनी लाइफ में यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया सबसे पहला वीडियो वही था, ठीक है, जो कि मैंने ऑलराउंडर साउथ चैनल पे डाला था, जिस चैनल का नाम मैंने शिवम टेक कर दिया और अभी पता नहीं चैनल का नाम मैंने क्या रख रखा है, ठीक है। तो उस चैनल पे अपलोड किया था और उसी चैनल पे मैं वर्क किया, काफी टाइम वर्क किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बीच में कई बार छोड़ भी दिया, 6-6 महीने छोड़ दिया। रिचार्ज करवाने के लिए दोस्तों पैसे ही नहीं हुआ करते थे, तो मैं क्या कर सकता था, दोस्तों हमेशा शुरू से ही हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफी ज्यादा खराब हुआ करता था। अब ऐसे में दोस्तों स्मार्टफोन कभी खराब हो जाए, उसमें बैटरी इतनी थी कि बैटरी तुरंत ही खत्म हो जाती थी, ठीक है। ऐसे दोस्तों जैसे तैसे मैं वीडियो बनाया करता था, लेकिन व्यूज न सब्सक्राइबर न कुछ। और दोस्तों एक बात मैं ये बताऊँ, जब मैं यूट्यूब पे आया था, मैं अमित बढ़ाने की वीडियोस तो देख करके आया था, लेकिन मैंने टेक की वीडियो कैसे स्टार्ट किया, मैंने टेक की वीडियो देखा था मनोज दे की, ठीक है। मैंने मनोज दे की वीडियोस देखा, उसमें मतलब कि वो बता रहे थे कि मैंने YouTube से ये खरीदा वो खरीदा, तो उनको देख करके मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिला था। साथ ही साथ ना मैंने देखो, जब शुरू में कॉमेडी वीडियो स्टार्ट किया तो कॉमेडी वीडियो पे मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। मतलब मैंने शुरू में गणित वाला वीडियो डाला, एक ट्रायल वीडियो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ना मतलब कॉमेडी वीडियो ही बनाना था, तो दोस्तों ने मेरा मतलब साथ देना बंद कर दिया। एक या दो वीडियो में बनाया, उसके बाद बुलाता था तो कोई आता नहीं था, कोई कहता था ये है कोई वो है। तो दोस्तों देखो, कॉमेडी जो वीडियो है वो एक बंदे से तो बन नहीं सकती है, तो इसी वजह से कॉमेडी वीडियो मैं नहीं बना पाया। फिर मैं सोच रहा था ऐसा कुछ करे जिसमें मैं अकेले सब कुछ कर सकूं, ठीक है। तो मेरे को इसमें टैक ही आया, ठीक है। अब टैक में दोस्तों मैंने ना शुरू में यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू नहीं किया था, क्योंकि यूट्यूब के बारे में घंटा मुझे ही कुछ नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शुरू में ना मैंने व्हाट्सअप टिप्स एंड ट्रिक के ऊपर वीडियो डाला। अब उसमें दोस्तों मुझे ये भी नहीं पता था कि मोबाइल की स्क्रीन भी रिकॉर्ड होती है, तो मैं दोस्तों पता ही क्या करता था, जो स्क्रीन होता है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था, स्क्रीनशॉट को जोड़ जोड़ करके वीडियो बनाता था। मुझे नहीं पता था कि मोबाइल की स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो सकती है, उस टाइम पे इतना भी नहीं पता था, ठीक है। और अभी के टाइम पे तो देख लो दोस्तों, वीडियो भी अच्छी खासी एडिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना भी नहीं पता था कि मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, तो बाद में जा करके पता लगा था कि मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है। अब बताओ उस टाइम पे इतना मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। अब उसी के बाद दोस्तों इसी तरीके से स्ट्रगल करते थे, गया व्यूज नहीं आ रहा था, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा था। बाद में हार दार के दोस्तों मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बीच में भी काफी सारा सफर है जो कि दोस्तों मैं बयां नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो बयां करने लग गया तो दोस्तों आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। तो फिलहाल उन सभी चीजों को रहने देते, काफी लाइफ में परेशानियां आई, काफी दिक्कतें आई, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे इतना पैसा भी नहीं हुआ करता था कि मतलब हम
सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अभी तक खराब है। हालांकि दोस्तों मैं अभी काम करना शुरू कर दिया, मेहनत मजदूरी करता हूँ। दोस्तों अभी भी मैं आपको बता दूं, देखो मैं अपनी जो एजुकेशन है, अपनी पढ़ाई में, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, लेकिन दोस्तों देखो मैं उतना ज्यादा बढ़िया भी नहीं था पढ़ाई में, लेकिन मतलब नॉर्मली ठीक ठाक था, जो एवरेज स्टूडेंट कहते हैं ना, मैं एवरेज स्टूडेंट था। लगभग 70% के अप्रोक्स मेरा 10th और 12th दोनों में था, मतलब 70% मेरा 10th में था और 75% 12th में था। लेकिन दोस्तों मैं पढ़ाई आगे कंटिन्यू इसी वजह से नहीं कर पाया क्योंकि फाइनेंशियल पैसे का ही प्रॉब्लम था, इसी वजह से मैं आगे पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। ठीक है, अब दोस्तों देखो मैं उस चैनल पे तो काफी ज्यादा वर्क कर चुका था, उस चैनल पे इतना वर्क किया फिर भी मेरे को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता, और उस टाइम पे रिचार्ज करवाने के भी पैसे नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे को रिचार्ज करवाने के भी पैसे होने लग गए। उसके बाद दोस्तों मैंने ना ये वाला चैनल स्टार्ट किया, YT शिवम जोन वाला। ठीक है, YT शिवम जोन वाला मैंने चैनल स्टार्ट किया, और इस पे दोस्तों मैंने कंटिन्यू मतलब काम करके आता था, काम करके आने के बाद ही डेली दो दो तीन तीन घंटे की लाइव स्ट्रीम करता था। उसमें जाकर के दोस्तों मेरे को रिस्पॉन्स मिला, धीरे धीरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर इंक्रीज होने लग गए, और दोस्तों फाइनली ये जो चैनल है ना मैंने 15 दिन के अंदर मोनेटाइज करवा दिया। बताओ कहाँ मैं पिछले 2-3 साल से काम कर रहा था, 2-3 साल से लगातार काम कर रहा था, बीच में मतलब रिचार्ज वगैरह ये सब प्रॉब्लम हुई तो वहाँ मैंने बंद कर दिया, नहीं डाल पाया वीडियो। तब से दोस्तों वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया, 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बाकी 1000 सब्सक्राइबर की बात है तो सब्सक्राइबर बढ़ाने में तो पता ही आपका भाई कितना तेज है, सब्सक्राइबर मैंने बढ़ा दिए थे 2-3 महीने में ही सपोर्ट सब करके 1000, लेकिन वॉच टाइम की बात थी तो वॉच टाइम कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये वाला जो चैनल है, इस वाले चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी थे क्योंकि इस पे एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ था, जो YT शिवम जोन वाला जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या है ना कि वो शॉर्ट से सब्सक्राइबर्स आए थे तो वो किसी काम के नहीं थे, लगभग वो वीडियोस वगैरह देखा ही नहीं करते थे। तो धीरे धीरे मैंने लाइव स्ट्रीम इस पे किया और धीरे धीरे जो है सब्सक्राइबर बेस आप लोग जो है धीरे धीरे आए। ठीक है, चैनल पे व्यूज आना स्टार्ट हुआ, अभी फिलहाल व्यूज थोड़े से डाउन है, लेकिन मतलब मेरे को लगता है धीरे धीरे इंक्रीज हो ही जाएगा। तो इस पर मैंने सिर्फ 15 दिन के अंदर कंटिन्यू लाइव करके 15 दिन के अंदर इस चैनल को मोनेटाइज करवा लिया। पिछले 2-3 साल से लगातार काम करने के बाद भी जो चीज़ नहीं हो पा रहा था वो 15 दिन में हो गया। बताओ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, जो भी आप काम करते हो ना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो कभी ना कभी आपके काम आता ही है। तो दोस्तों आप अगर काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे काम कर रहे हो ना, तो कभी भी ये मत सोचना कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये वेस्ट जा रहा है। दोस्तों अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो तो वो भी आपके काम आएगा, आप थंबनेल बना रहे हो वो भी आपके काम आएगा, आप जितना भी चीज़ अपने जितनी भी स्किल को डेवलप कर रहे हो ना वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा ही, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। आपने पढ़ाई की है ना तो कहीं भी आप जाओगे तो भूलोगे भटकोगे नहीं। और दोस्तों एक पता है, पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना वो अनपढ़ इंसान से ना अपना जो काम होता है ना बेहतर तरीके से करता है। इसी तरीके से अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना, तो अगर किसी के अंदर वो स्किल नहीं है तो उससे आप काफ़ी बढ़िया ढंग से वो काम करोगे, तो वो आपके अंदर आपकी गुणवत्ता आप बढ़ा रहे हो। ये मत सोचो कि हम सक्सेस हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन आपका स्किल डेवलप हो रहा है। और बाकी सक्सेस की है तो आप धीरे धीरे जिस जिस हिसाब से आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा ना, आप अपने आप ही कोई ना कोई अपना वीडियो वायरल कर लोगे और आप भी एक अच्छे खासा क्रिएटर बन जाओगे, आप भी अच्छा पैसा कमाओगे। तो दोस्तों यूट्यूब पे ना यही है, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना चीज़ों को सीखोगे उतनी जल्दी ग्रो करोगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप YouTube छोड़ने के बारे में सोच रहे हो ना तो आज ही छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों जो पैसा कमा रहा है वो तो कमाएगा ही, आप बस देखते रह जाओगे। ठीक है, अभी दोस्तों आपने देखा ना कुछ दिन पहले सौरभ जोशी का जो अर्निंग रिवील हुआ था, लगभग 81-82 लाख रुपये महीना कमा रहा है। करता क्या है, हाय गाइस आज मेरा ये देखो, कल मेरा ये देखो, परसों मेरा ये देखो, और 81-82 लाख रुपये महीना कमा रहा है। क्यों आप क्यों नहीं कर सकते हो ये मुझे बताओ, क्यों नहीं कर सकते हो आप? तो बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप पूरी समझदार हो। ठीक है, और टेक केयर बाय बाय सभी को, और यार मस्त रहो, बढ़िया रहो, और YouTube छोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो देख करके आप लोग मेरे को बताना आपको क्या लगा। ठीक है, अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी चैनल पर नहीं हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना। और दोस्तों अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो 1 लाइक जरूर से कर देना अपने भाई के लिए, और अपना पेरेंट सपोर्ट बनाओ अपने भाई के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय सभी को।